दोस्तों नमस्कार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे लगाई जा रही है 02435 नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को, जो कि अपनी अत्याधुनिक सुविधाएं व तेज़ रफ्तार स्पीड के लिए प्रीमियम ट्रेन की श्रेणी में नंबर 1 पर आती है राजधानी के बाद। आज इसी में सफ़र करने वाले हैं। लगभग 6 बजे हम पुरानी दिल्ली से चलेंगे 16 नंबर से, और कानपुर में इसकी टाइमिंग जो है टेंटेटिव टाइमिंग है उस सवा 10 बजे है। 38 किलोमीटर की स्पीड जो है डिस्टेंस है इसको लगभग 4 घंटे और 15 मिनट में तय करती है। लगभग लगभग जो है 100+ स्पीड की एवरेज देती है, नॉन स्टॉप चलेगी ये। और आज है इसके साथ इसको मात एक नई ट्रेन दी गई, यानी वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन की मालगाड़ी के साथ जो है वो रेस इसमें आपको देखने को मिलेगी। और इस समय हम इटावा रेलवे स्टेशन को इसकी मैक्सिमम स्पीड जो इस रूट पे है 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि गतिमान 160 पे चलती है, लेकिन उस रूट पे बैरिगेट्स यानी साइड वॉल बनी हुई है दूसरे लोगों के एंट्री को रेलवे ट्रैक पे डायरेक्ट रोकने के लिए, जो इस पे नहीं है। हालांकि इस पे भी 160 पे जो है वो ट्रायल किया जा चुका है। तो जैसे ही हम निकलते हैं फफूद रेलवे स्टेशन जो कानपुर से पहले आता है, वहाँ पर आउटर पर जो है हम एक मालगाड़ी जो कि EDFC यानी ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर जा रही है कानपुर की तरफ। इसके 42 कोचेस थे, एम्प्टी रैक का शायद यूरिया या सीमेंट बैग को, इसको हम पूरे के पूरे रैक को जो है कर लेते हैं ओवरटेक। और इसको होल्ड कर रहा था वैग 9 ग्रीन कलर का। लेकिन होल्ड करने के बाद जैसे ही हम फफूद आउटर के नियर पहुँचते हैं तो हमें कॉशन मिलता है 40 किलोमीटर पर आवर का, 40 से भी कम का है ये। तो वहाँ क्या होता है कि क्योंकि गाड़ी जो माल लोड था, लोड जो पूरा का पूरा था, वो अपनी नॉर्मल 70-80 की स्पीड से आराम से जा रहा था, तो इसने पूरी की पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है वो कुछ ही सेकंडों में पार कर लिया। और ये बहुत ही बड़ा इशू, प्रेस्टीजियस इशू हो गया वंदे भारत के लिए, क्योंकि इस प्रकार की प्रीमियम ट्रेन अगर मालगाड़ी से भी पीछे हो जाती है तो ये जाहिर सी बात है सोचने वाली बात रहेगी इस ट्रेन के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही फफूद रेलवे स्टेशन को हम कॉशन को जो क्रॉस करते हैं, तो एकदम से फुल पेस एक्सीलरेशन के साथ 130 के साथ ये ट्रेन चल रही है, और दोबारा से हमने जो है उस मालगाड़ी को अपने से पीछे कर दिया। और आपने कुछ न्यूज़ पीछे देखी भी होगी, जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसमें हर स्टेशन जो नॉर्मल ट्रैक पे होता है वो नहीं होता है, सिर्फ जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटी या लगता है वही बनाए गए हैं। तो बहुत से सिलेक्टेड स्टेशन है ये, इसलिए इनको कॉशन ज़्यादा मिलता नहीं है। मालगाड़ियों की रफ्तार जो इस रूट पे लॉकडाउन के दौरान जो है वो 80-90 किलोमीटर पर आवर देखी गई है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में नॉर्मल एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेनें जो दिल्ली आगरा रूट पर 60 से 70 की स्पीड देती हैं, उनको भी मालगाड़ी जो मात देंगी, ऐसा मुझे लगता है आने वाले दिनों में। तो ये था आज का वीडियो वंदे भारत और लोड की मध्य जो रफ्तार या रेस हुई उसके बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो से संबंधित या रेलवे से संबंधित कोई इंक्वायरी सुझाव तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेलवे से संबंधित ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे रेलवे की एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।